ओके हेलो अभी बडी सो इन लास्ट क्लास वी स्टार्टड सॉरी इन लास्ट क्लास वी कंटिन्यू टेंसेज ठीक है उससे पहले वाली क्लास में मैंने टेंसेस स्टार्ट करवाए थे ठीक है एंड टेंसेज अकॉर्डिंग टू मी देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है टेंसेस करवाने में बट एक बार आप लोग को अगर टेंसेज आ गए तो इट इज़ दी मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक इन दी ग्रामर ना uh, मैं एक बार पूरा प्रेजेंट टेंस दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ एंड उसके बाद टुडे वी विल स्टार्ट विद दी पास्ट टेंस ओके सो प्रेजेंट टेंस में फर्स्टली वी स्टार्टेड विद दी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल को किस तरीके से लिखते हैं आई राइट ठीक है प्रेजेंट सिंपल के अंदर ट्रूथ uh, हैबिट्स ठीक है फैक्ट्स uh, इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल श्री गोज टू टेम्पल डेली ठीक है आई वेक अप एट सेवन ए एम ठीक है ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो सारी प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं उसके बाद आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर आप लोग बोल रहे हो उस टाइम पे ठीक है फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स ठीक है तो मतलब एग्जैक्टली exactly उसी टाइम पे वो लड़की पौधों को पानी दे रही है तो जिस टाइम पे सेंटेंस बोला जाता है उसी टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है ठीक है ये मैं आप लोग को अभी रिवाइज़ कराने के लिए बेसिक बेसिक सिचुएशन बता रही हूँ ओके बाकी जो डिटेल में सिचुएशंस थी वो मैंने जब आप लोग को प्रेजेंट uh, प्रोग्रेसिव पढ़ाया था वो सारी डिटेल में सिचुएशंस मैंने तब डिस्कस करी थी ओके okay. नाउ उसके बाद मैंने आप लोग को पढ़ाया था लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमेशा हैव यूज होता है और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है ठीक है uh, हमेशा ओके okay. अब हैव या फिर हैज यूज uh, हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या फिर हैज कौन सी सिचुएशंस में यूज होगा ये भी मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था ओके okay. uh, उसके बाद मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है वो भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा हैव या फिर हैज के साथ बीन आता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है दैट इज़ आई फॉर्म ऑफ वर्ब आता है ठीक है जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसके अंदर या तो ई आता है या ई आता है पीछे और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे हमेशा आई आता है ओके सो so, इतनी चीजें लास्ट लास्ट में डिस्कस हुई थी ठीक है सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द पास्ट टेंस ठीक है यूजुअल पास्ट टेंस सिंपली पास्ट टेंस क्या होता है ये सबको पता है uh, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो भूतकाल यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी है दैट इज़ ब्रॉडली वॉट वी कॉल एज पास्ट ठीक है टाइम के हिसाब से ठीक है लेकिन टेंसेस के हिसाब से पास्ट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव पास परफेक्ट एंड पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव ठीक है सो so, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ पास्ट सिंपल ठीक है सो पास्ट सिंपल में हमेशा ओके लेट मी ओपन दैट टेबल फॉर यू वेट फॉर अ वाइल ओके सो देखो पास्ट सिंपल में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है ठीक है बेसिकली एक वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं सिंपल पास्ट पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा आईएनजी लगता है पास पार्टिसिपल में हमेशा ईडी या फिर ईएन लगता है ठीक है और जो सिंपल पास्ट होता है ठीक है दैट इज लाइक दिस ठीक है टॉक Talk का टॉक्ड क्राई का क्राइड रिंग का रैंग स्विम का स्वैम ईट का एट ठीक है वाइलैस uh, ईट का अगर आप लोग पास्ट पार्टिसिपल देखोगे तो ईट के पीछे ई एन आ जाएगा ईटन ठीक है राइस का रोस चेज का चेज्ड ठीक है सो ये देखो अभी मैं आप लोग को ये नहीं समझाने बैठूंगी कि सिंपल uh, वर्ब से सिंपल टेंस कैसे बनता है क्या लगाना पड़ता है ई डी ई एन क्या लगाना पड़ता है अगर आप लोग सिंपली इंटरनेट पे सर्च कर लोगे ठीक है तो आप लोग को मिल जाएगा कि आप लोग के वर्ब का सिंपल टेंस क्या होता है ठीक है वर्ब का सिंपल टेंस वर्ब का पा पास पार्टिसिपल वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सब क्या होता है अगर आप लोग एक बार इंटरनेट पर सर्च करके टेबल देख लोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी राइट right? तो तीन फॉर्म्स होते हैं वर्ब के पास पार्टिसिपल हमेशा ईडी या फिर ईएन लगा के फॉर्म होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी लगा के फॉर्म होता है ठीक है उसके अलावा एक होता है सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट यूजुअली तो देखो इस तरीके से फॉर्म होता है कि रिंग रैंग स्विम स्वैम ठीक है ईट एट बट क्राय का आप लोग ऐसे करके कुछ लिख नहीं सकते ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिंग ठीक है तो सिंग का क्या होता है सिंपल पास्ट संग ठीक है सो so, इस तरीके से बट आप लोग किराए का सिंपल पास टेंस डायरेक्टली रिंग रैंग स्विम स्वैम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते इसलिए क्राई के केस में क्राइड यूज हुआ है टॉक के केस में टॉक यूज हुआ है ठीक है सो दिस इज वॉट वी कॉल एस सिंपल पास टेंस अगर आप लोग एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे या आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज सिंपल पास टेंस व्हाट इज पास पार्टिसिपल व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक है एक वर्ब से सिंपल पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी वर्ब का ऐसा फॉर्म प्रेजेंट हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल रिंग का रैंग ऐसा फॉर्म प्रेजेंट था रिंग का जो पास्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट था ठीक है तो आप लोगों ने लिख दिया रैंग ठीक है उसके बाद आप लोगों ने पास पार्टिसिपल में लिख दिया रंग और प्रेजेंट uh, पार्टिसिपल में लिख दिया रिंगिंग ठीक है उसके अलावा बात करें स्विम स्वैम स्वम स्विमिंग ठीक है ईट एट ईटन ईटिंग ठीक है सो ईट का सिंपल जो पास्ट टेंस होगा वो एट होगा बस बट पास पार्टिसिपल जो होगा वो ईटेन होगा ईटेन क्यों होगा क्योंकि ईट के पीछे ई एन लगा के वी कैन फॉर्म अ वर्ब विच इज कॉल्ड एज पास पार्टिसिपल फॉर्म ओके तो देखो ऑल ऑफ दिस कम्स विद प्रैक्टिस जितने ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देखिए कॉस्ट ठीक है ओके कॉस्ट दिस इज कॉस्ट ठीक है कॉस्ट का प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉस्टिंग ठीक है कॉस्ट का पास्ट फॉर्म इज कॉस्ट एंड कॉस्ट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो कॉस्ट ठीक है उसके अलावा अगर बात करें ड्रिंक uh, की ठीक है तो ड्रिंक का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज ड्रिंकिंग ड्रिंक का पास्ट फॉर्म इज ड्रैंक एंड ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ड्रंक ठीक है तो अगर आप लोग को यू you नो know, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग को एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आप लोग को हमेशा आईएनजी लगाना है ठीक है अगर आप लोग को पास्ट सिंपल पास्ट याद नहीं आ रहा है कि सिंपल पास्ट समझ नहीं आ रहा है किसी वर्ड का सिंपल पास्ट क्या होगा तो उस केस में आप लोग को ये लगा के देखना है ये सेंटेंस लगा के देखना है येस आई ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को uh, एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ से कोई भी ओके चूज वर्ड ले लेते हैं ठीक है आप लोगों को चूज वर्ड का पास्ट फॉर्म नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा ठीक है तो आप लोग ये सेंटेंस बता के ये सेंटेंस बना के देखोगे कि येस्टरडे आई फिर आप लोग बना के देखोगे कि येस्टरडे आई के साथ क्या हो सकता है तो यस्टरडे आई के साथ चूज़ हो सकता है इसीलिए यस्टरडे आई का आई का पास्ट फॉर्म जो होगा वो चूज़ होगा अब उसके बाद आप लोग को चूज़ का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आ रहा है समझ तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को उसके साथ आई हैड शी हैज़ यू हैव लगा के देखना है ठीक है तो अगर आप लोग लगा के देखोगे यहाँ पर तो आप लोग को दिखेगा फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ यू हैव ठीक है शी हैज़ आई हैड तो मैं उन सारे केसेस में चूजन वर्ड बोलूंगी ठीक है आई हैड चूजन शी हैड चूजन यू हैव चूजन ठीक है तो इस तरीके से मैं चूजन वर्ड बोलूंगी ठीक है तो हमेशा चूज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा चूजन ठीक है एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप लोग को कभी भी किसी भी वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म बनाना नहीं आ रहा है देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज़ सिंपल आप लोग को सिर्फ आई एन जी लगाना होता है ठीक है अगर किसी वर्ड का आप लोग को पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना नहीं आ रहा है

ओके फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ओके नाउ ब्लो ब्लो का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज ब्ल्यू ठीक है तो मैं बोलूँगी येस्टरडे आई ब्ल्यू ठीक है उसके बाद अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैड ब्लोन ठीक है यू हैव ब्लोन मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना बोलूँगी ना कि यस यू हैव ब्लू ठीक है तो इस तरीके से अगर कोई जो सेंटेंस है उस वो आई आई हैड शी हैज़ यू हैव में फिट हो रहा है अगर कोई वर्ड तो दैट इज़ दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और अगर कोई वर्ड या फिर अगर कोई वर्ब येस्टर आई वाले सेंटेंस में फिट हो रहा है सो दैट इज़ दी पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब ठीक है मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ हमेशा एक वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ठीक है अब uh, किसी भी वर्ब के तीन फॉर्म को बेसिकली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आई एन जी आएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूजुअली ई डी या फिर ई एन आता है ठीक है और जो सिंपल पास्ट है उसके अंदर ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ब्रोक ब्लू ठीक है इस तरीके के वर्ब्स यूज होते हैं ठीक है बट यूजुअली क्या होता है काफी बच्चों को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को डिफरेंशिएट करना नहीं आता है ठीक है तो आप लोग अगर किसी वर्ब को ठीक है फॉर एग्जांपल आप लोग को पता लगाना है कि ये जो वर्ड है ओके ओके लेट ड्रू और ड्रॉन ठीक है ड्रू और ड्रॉन में से पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है अगर आप लोग को ये पता लगाना है तो आप लोगों को येस्टरडे आई येस्टरडे आई वाले सेंटेंस में जो वर्ब फिट हो जाता है दैट इज दी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई हैड शी हैज़ यू हैव इस सेंटेंस में जो वर्ब फिट हो जाता है दैट इज़ दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज देखो मैं ऐसे बोल सकती हूँ येस्टरडे आई ड्र ठीक है uh, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी ना कि येस्टरडे आई ड्रॉन ठीक है तो जो ड्रू है दैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट ठीक है और अगर मैं बोलूं कि आई हैड ड्रॉन शी हैज़ ड्रॉन यू हैव ड्रॉन तो जो ड्रॉन वर्ब है ये आई हैड शी हैज़ यू हैव इन सारे सेंटेंसेज uh, में फिट हो रहा है तो इसलिए ड्रॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ मैं आपको अब आप लोग को पता लगाना है कि एट और ईटन में से ठीक है देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ई एन लगा हुआ है ईटन में तो सबसे पहली बात तो ई एन लगा हुआ है तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि दिस इज दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है बट उसके बाद भी अगर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से सिंपल पास्ट तो कौन सा वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का कौन सा वर्ब है तो आप लोग को एक सेंटेंस लेना है येस्टरडे आई ठीक है येस्टरडे आई ठीक है तो आप लोग क्या लिखोगे येस्टरडे आई एट ठीक है आई एट पिज्जा और येस्टरडे आई एट बर्गर आप लोग ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कि येस्टरडे आई ईटन ठीक है तो क्योंकि एट वर्ड येस्टरडे आई में फिट हो चुका है इसलिए एट वर्ड इज दी पा सिंपल पास्ट फॉर्म और क्योंकि ईटन वर्ड यस्टरडे आई में फिट नहीं हुआ सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है वन मोर एग्जाम्पल फ्रोज और फ्रोजन ठीक है सो आप लोग देखो दो सेंटेंसेज हैं Yesterday I ठीक है और यहां पर देखो लिखा हुआ है सेंटेंस शी हैज शी हैज ठीक है तो वेंट और गॉन ही कर लेते हैं अभी उसके बाद फ्रोज और फ्रोजन कर लेंगे ठीक है तो अगर आप लोगों को वेंट या फिर गॉन में से ठीक है येस्टरडे आय में कुछ फिट करना हो तो आप लोग वेंट फिट करोगे ठीक है तो क्योंकि वेंट येस्टरडे आय वाले सेंटेंस में फिट हो चुका है सो तो दिस इज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है उसके अलावा बात करें गॉन की ठीक है तो शी हैज गॉन आई हैड गॉन ठीक है तो क्योंकि गॉन शी हैज में फिट हो चुका है सो दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है नाउ इसी तरीके से आप लोग फ्रोज froze, फ्रोजन का एग्जाम्पल खुद से करके देख सकते हैं आई जस्ट वॉन्टिड कि आप लोग को पता चले द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एंड सिंपल पास्ट ठीक है क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं चलता है एंड काफ़ी टीचर्स बोल देते हैं कि आ, सिर्फ आप लोग को याद करना है ठीक है काफ़ी टीचर्स बड़ी बड़ी टेबल्स देते दे हैं दे और वो बोलते हैं कि सिर्फ याद करो ठीक है तो यू नो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप लोग uh, हर वर्ड के तीन वर्ब के फॉर्म्स को बैठ के याद करोगे ठीक है बट ऑब्वियसली आप लोग को एग्जाम्पल्स देखने हैं बट आप लोगों को अगर कोई भी वर्ड में कन्फ्यूजन है तो आप लोग उसको सबसे पहले येस्टरडे आई सेंटेंस में फिट करके देख लेना अगर येस्टडे आय वाले सेंटेंस में वो आ जाए सो दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अगर वो येस्टरडे आय वाले सेंटेंस में नहीं आए सो दैट इज़ प्रोबेबली दी प्रेजेंट पार्टिसिपल और दी पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो ये uh, बेसिक क्वालिटी होती है कि उसके पीछे आईएनजी लगता है तो वो आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे तो अगर कोई भी वर्ड जिसके पीछे आईएनजी नहीं हो और अगर वो येस्टरडे आए वाले सेंटेंस में भी फिट नहीं हो रहा हो ठीक है तो इट इज़ दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन अगर कोई भी वर्ड जिसके पीछे आई ना हो अगर कोई भी वर्ब जिसके पीछे आई ना हो ठीक है और वो पास्ट वो येस्टरडे आए वाले सेंटेंस में भी फिट नहीं हो रहा हो तो दैट इज डेफिनेटली दी पास पार्टिसिपल फॉर्म क्योंकि आई एनजी उसके पीछे है नहीं ये डे आए वाले सेंटेंस में वो फिट हो नहीं रहा तो लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन बचता है सो डेफिनेटली okay? Okay. So, so, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर uh, तीन फॉर्म ऑफ वर्ब है ठीक है पहले का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल दूसरे का नाम है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरे का नाम है ठीक है पास्ट ठीक है तो जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके अंदर जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमेशा वही यूज़ होता है ठीक है तो, uh, तो आप लोग के नोट्स में भी लिखा हुआ है द सिंपल पास्ट टेंस इज़ फॉर्म बाय यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब ओके फॉर एग्जांपल शी सैंग द चिल्ड्रेन प्लेड आई रोट अ लेटर ठीक है सो so, uh, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि प्लेड इज़ दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो आप लोग की कंफ्यूजन गलत है ये कंफ्यूजन आप लोग क्लियर कैसे कर सकते हैं आप लोग एक सेंटेंस लीजिए येस्टरडे आई येस्टरडे आई में प्लेड फिट हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि जो प्लेड है ठीक है प्लेड है दैट इज ऑल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है अगर आप लोग उस टेबल में देखोगे तो आप लोगों को प्ले के तीन फॉर्म्स दिखेंगे प्लेइंग प्लेड प्लेड यानी कि प्लेड इज दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लेड ही पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ठीक है वाई एज प्लेइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है सो प्लेड हेयर इज द पास्ट पार्टिसिपल सॉरी सो प्लेड हेयर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सैंग इज दी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रोट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है अगर आप लोग को डाउट है इन तीनों में से तो आप लोग येस्टडे आए में सैंग प्लेड या फिर रोड फिट करके देख लीजिए फिट हो जाएगा ओके नाउ द नेगेटिव सेंटेंसेस हैव फॉर्म डिड नॉट और डिडेंट प्लस द मेन वर्ब ठीक है फॉर एग्जांपल ये जो है दिस थ्री आर द नेगेटिव सेंटेंसेस तो हमेशा सिंपल पास टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा जो मेन वर्ब होता है ठीक है यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब है सिंग ठीक है यहाँ पर मेन वर्ब है प्ले ठीक है और यहाँ पर जो मेन वर्ब है दैट इज राइट right. ठीक है सो मेन वर्ब के साथ हमेशा डिड नॉट या फिर डिडेंट आता है ठीक है तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें कभी भी जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज नहीं होता नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मेन वर्ब यूज होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल सैंक का जो मेन वर्ब है दैट इज सिंक प्लेड का जो मेन वर्ब है दैट इज प्लेड ठीक है रोड का जो मेन वर्ब है दैट इज राइट आर ट वी कॉल एज मेन वर्ब ठीक है तो हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनमें मेन वर्ब यूज होता है और मेन वर्ब के साथ डिड नॉट या फिर होगा ओके तो आप लोग को याद रखना है कि सिंपल पास टेंस में हमेशा जब नेगेटिव सेंटेंसेस लिखोगे तो उस केस में आप लोग को मेन वर्ब का यूज करना है ठीक है मेन वर्ब के साथ आप लोग को डिडनॉट या फिर ठीक है नाउ पॉइंट नंबर थ्री इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप लोग को किस तरीके से लिखना है आप लोग को हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले लगाना है डिड ठीक है और सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को लगाना है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शी इज दी सब्जेक्ट ठीक है शी के पहले आप लोग डिड लगाओगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ठीक है और सेंटेंस सिंपल पास टेंस में है ठीक है तो आप लोग शी के पहले डेढ़ लगाओगे ठीक है और शी के बाद आप लोग लगाओगे द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो सिंग इज़ द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले एंड राइट अगेन इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आई इज़ द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले डेट सब्जेक्ट के बाद द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है उसके बाद आप लोग को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आप लोगों को सब्जेक्ट के पहले हमेशा डिड लगाना है ठीक है सब्जेक्ट के पहले हमेशा आप लोग को डिड लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आप लोग को नॉट लगाना है ठीक है और uh, जो वर्ब होगा वो सिंपल uh, उसके मेन फॉर्म में यूज़ होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंग यूज़ हुआ है दैट इज़ संग नहीं सिंग ही यूज़ हुआ है सिंपल मेन फॉर्म में वर्ब ठीक है उसके बाद अगर बात करें शी तो शी इज़ दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले डेड सब्जेक्ट के बाद नॉट ठीक है सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आप लोगों को सब्जेक्ट के पहले डेड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ता है ठीक है और उसके बाद आप लोगों को मेन फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना पड़ता है ओके नाउ नाउ वी विल कम टू द यूज ऑफ सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ठीक uh, है ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उन केसेस में सिंपल पास टेंस यूज होता है फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू डेली येस्टरडे ठीक है वेंट जो होता है दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है येस्टरडे uh, आई के साथ आप लोग वेंट लगा के देख लीजिए इस सेंटेंस में फिट हो रहा है दैट इज येस्टर डे आय तो यस्टरडे आई के साथ क्योंकि वेंट फिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेंट इज दी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्क तो ये आई वेंट टू डेली येस्टरडे ठीक है शी रोड अ लेटर टू हर लास्ट वीक तो रोट इज़ दी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्क ठीक है शी मेट अस टू डेज अगो ठीक है तो ऐसी सारी ऐसे सारे एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं उन सिचुएशंस में आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस यूज करना पड़ता नाउ अब आप लोग को एडवर्बियल ऑफ टाइम का uh, मतलब पता होना चाहिए ठीक है अगर मैं बात करूँ ऑलरेडी येस्टे टुडे टमोारो नेक्स्ट ईयर इन जनवरी एज सून ठीक है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है as soon as एज could आफ्टर अ वाइल इन द मॉर्निंग ऑन ट्यूजडे ऑन मंडे ऑन सैटरडे ऑन Sunday ठीक है इस तरीके से या फिर टुडे टमोरो yesterday नाउ लास्ट मंथ इमीजिएटली ऑलवेज ऑलरेडी आफ्टर वर्ड्स ठीक है ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ठीक है इनको क्या बोला जाता है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम ठीक है आई होप आप लोग को एग्जाम्पल से समझ आ गए हो एडवर्बियल्स ऑफ टाइम क्या होते हैं राइट right? सो so, uh, यूजअली सिंपल पास टेंस में एडवर्बियल ऑफ टाइम यूज़ किए जाते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो येस्टरडे लास्ट वीक टू डेज अगो तो यूजुअली सिंपल पास टेंस में एडवर्बियल ऑफ टाइम यूज़ किए जाते हैं बट कई कई सिचुएशंस में एडवर्बियल ऑफ टाइम नहीं भी यूज़ किए जाते ठीक है फॉर एग्जांपल देखो दीज आर दी सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास टेंस बट इनके अंदर एडवर्बियल ऑफ टाइम नहीं यूज़ किए गए हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन सनडे ऑन मंडे टूडे टुमारो नेक्स्ट डे ठीक है ऐसे सारे वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए हैं ऐसे सारे वर्ड्स को बोला जाता है एडवर्बियल ऑफ टाइम बट इन दो सेंटेंसेज में एडवर्बियल ऑफ टाइम नहीं यूज़ किए गए हैं उसके बाद भी ये दोनों सेंटेंसेज जो हैं दीज आर इन सिम्पल पास टेंस ओके okay. uh, उसके अलावा uh, कोई एक्टिविटी जो कि पास्ट में की गई हो ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल सती स्टडीड फॉर थ्री आवर्स स्टडीड इज दी स्टडीड के पीछे ई डी आ रहा है ठीक है स्टडीड प्रेजेंट सॉरी स्टडीड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है और सिंपल जो सिंपल पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का स्टडीड वो भी है ठीक है तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पीछे ई डी आ जाए वो डेफिनेटली ही uh, पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा आप लोगों को मेक श्योर sure करना है कि अगर जिसके पीछे ईडी आ जाए अगर वो वर्ड इस सेंटेंस में फिट हो रहा है ठीक है येस्टरडे डे ठीक है इस सेंटेंस में फिट हो रहा है ठीक है तो अगर वो वर्ड इस सेंटेंस में फिट हो, तो हो रहा है तो दैट मीन्स दैट वर्ड इज ऑल्सो दास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब ओके तो यहाँ पर स्टडीड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब तो uh, कोई भी एक्टिविटी अगर जो पास्ट में की गई होती है उन केसेस में भी आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है ठीक है और कोई जो रेगुलर एक्शन जो कि पास्ट में किया जाता था ठीक है फॉर एग्जाम्पल शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे ठीक है तो वो पास्ट में रोज टेम्पल जाया करती थी ठीक है सो so, ऐसी सारी सिचुएशन में आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है ठीक है नाउ सिंपल पास्ट टेंस बेसिकली आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हुई हैं ठीक है पास्ट में हो चुकी हैं उन सारी सिचुएशंस में उन सारी एक्टिविटीज़ में ठीक है uh, चाहे एडवर्बल ऑफ टाइम गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो अगर जो भी सेंटेंस आप लोग को दिखे कि भाई वो पास्ट में है और उसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है तो ऑल ऑफ दो सेंटेंसेज आर कॉल्ड एज सिंपल पास्ट टेंस ओके नाउ कम्स दास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कंटिन्यूस ठीक है तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूस में हमेशा वॉज या फिर वर यूज़ होता है विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है फॉर एग्जाम्पल वॉज वॉचिंग वॉज प्लेइंग वर प्लेइंग वर वॉचिंग ठीक है तो द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में हमेशा वॉज या फिर वर यूज़ होता है विद आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर मैं बोल सकती हूँ uh, uh, जो पास्ट प्रोग्रेसिव है उसके अंदर वॉज या फिर वर यूज होता है विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द ही ठीक है तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि वॉज वॉज कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है और वर्ब कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है तो वॉज हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज़ होता है और वर हमेशा प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज़ होता है ठीक है मैं अगर लिखूँ कि द चाइल्ड ठीक है तो चाइल्ड इज सिंगुलर तो मैं लिखूँगी द चाइल्ड वॉज वॉचिंग टेलीविजन ठीक है इसकी जगह मैं अगर मैं लिखूँ प्लू, प्लूरल चिल्ड्रन ठीक है तो चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल है ठीक है तो अगर मैं चिल्ड्रेन लिख दूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि द चिल्ड्रेन वर वॉचिंग टेलीविजन ठीक है तो सिंगुलर के केस में हमेशा मैं वॉर सॉरी तो सिंगुलर केस में हमेशा मैं वॉज यूज़ करूँगी और प्लूरल के केस में मैं हमेशा वर यूज़ करूंगी ठीक है उसके अलावा आई आई ही शी इट के केस में हमेशा मैं वॉज यूज़ करूंगी और वी यू दे केस में मैं हमेशा वर यूज़ करूंगी ओके आई शी ही इट के केस में मैं हमेशा वॉज नॉट यूज़ करूंगी और वी यू दे के केस में मैं हमेशा वर नॉट यूज़ करूँगी ठीक है क्वेश्चन के केस में अगर आई ही शी इट से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता हो तो मैं उसमें वॉज यूज़ करूंगी अगर कभी वी यू दे से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें मैं वर यूज़ करूँगी ठीक है तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन दिया रिलेटेड टू दी पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो देखो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हमेशा वॉज या फिर वर्ड यूज़ होता है विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर एग्जाम्पल ही वॉज राइटिंग अ लेटर मैंने आप लोग को बताया था कि वॉज़ के साथ हमेशा ही यूज़ होता है ठीक है यहाँ पर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग तो प्लुरल के साथ हमेशा वर यूज़ होता है द गर्ल्स वर सिंगिंग ठीक है तो प्लुरल गर्ल्स हैं इसलिए गर्ल एक नहीं है प्लुरल है एक से ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर वॉज नहीं वर यूज़ हुआ है ठीक है नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग को हमेशा uh, नोट लगाना है ठीक है आप लोग को वॉज के बाद हमेशा नॉट लगाना है वॉज या फिर वर के बाद हमेशा नॉट लगाना है ठीक है सो बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को uh, वॉज वर और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इन दोनों के बीच में हमेशा नॉट लगाना होता है ठीक है उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को वॉज या फिर वर लगाना होता है बिफोर सब्जेक्ट ठीक है तो uh, यहाँ पर देखो क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो प्लूरल नाउन इसलिए वर यूज हुआ है मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि ही के, ही के के केस में हमेशा वॉज यूज होता है देखो मैंने आप यहां पर आप लोग को बताया था ही शी इट के के केस में हमेशा वॉज यूज होता है और वी यू दे केस के के में हमेशा वर यूज होता है ठीक है सो लेट मी ओपन ठीक है सो so, इसी तरीके से अगर बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले वॉज या फिर वर यूज़ होता है ठीक है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले हमेशा नॉट यूज़ होता है इस सेंटेंस में आप लोग देखो सब्जेक्ट ही है ही से पहले वॉज यूज़ हुआ ठीक है उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले नॉट यूज़ हुआ ओके यहाँ पर देखो क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है ठीक है प्लूरल के केस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले आप लोग को वर्ड लगाना है ठीक है और हमेशा आप लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के पहले नॉट लगाना है ओके सो नाउ कम्स द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ठीक है नाउ uh, अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो uh, अगर कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू uh, हो रहा हो ठीक है तो उन सिचुएशंस में आप लोगों को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना पड़ता है ठीक है फॉर एग्जांपल आई वाज कुकिंग येस्टे ठीक है तो पास्ट में कुकिंग का जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा था इसलिए इस केस में मैंने पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास कंटिन्यूस टेंस यूज़ करा है ठीक है आई वॉज गोइंग टू कॉलेज इन द मॉर्निंग ठीक है मॉर्निंग में ये जो एक्शन है कॉलेज जाने का ये कंटिन्यू हो रहा था इसलिए इस केस में मैंने पास्ट uh, प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करा है ठीक है वॉज द फार्मर रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड इन द इवनिंग इस पास प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आ, ये जो इवेंट है ठीक है फार्मर के रिटर्न होने का ये पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था ठीक है तो अगर कभी भी कोई भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा होता है तो उस केस में आप लोग को हमेशा पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है ओके सो so, एडव एडवर्बल्स ऑफ टाइम या फिर एडवर्बल्स ऑफ टाइम के बिना भी आप लोग पास प्रोग्रेसिव टेंस यूज कर सकते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पर हो morning, evening, पर हो यहाँ पर एडवर्बल्स ऑफ टाइम लिखे हुए हैं एट ए एम मॉर्निंग इवनिंग ठीक है यहाँ पर एडवर्बल्स ऑफ टाइम लिखे हुए हैं बट यहाँ पर एडवर्बल्स ऑफ टाइम नहीं लिखे हुए हैं इन केसेज में भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया है बेसिकली आप लोग को उन सारी सिचुएशन में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल शी वॉज स्लीपिंग ठीक है तो पास्ट में एक्शन दैट इज पास्ट में स्लीपिंग का एक्शन कंटिन्यू हो रहा था ओके सो इसलिए मैंने यहाँ पर पास प्रोग्रेसिव टेंस यूज करा है कैसे पता चलेगा कि पास प्रोग्रेसिव टेंस यूज करा है हमेशा अगर आप लोग के पास कभी भी वाज या फिर वर के साथ वेट लेट मी राइट वाज या फिर वर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए ठीक है दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आप लोग को पता लग जाना चाहिए कि पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेंस यूज किया गया है ओके okay, तो देखो यहाँ पर एक दो और रूल्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू दी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये जो जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा ये सिर्फ आप लोग को और स्पेसिफाई करने के लिए हैं बेसिकली आप लोग को कुछ ज़्यादा इतने सारे रूल्स याद नहीं रखने हैं आप लोग को सिर्फ एक रूल याद रखना है अगर कोई भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा हो और इसकी फीलिंग आए तो आप लोग को उस केस में हमेशा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है ओके okay, सो so ये जो सारे हैं आप लोग को मैं दो मिनट दे रही हूँ एक बार रीड कर लो आप लोग को पता चल जाएगा ये क्या है क्योंकि अगर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ठीक है सो आप आप लोग को सिर्फ मैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अपनी तरफ से यही बताना चाहती हूं कि हमेशा उन सिचुएशंस में यूज होता है जब आप लोगों को डिनोट करना होता है कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा हो ठीक है मैं ये नहीं बोल रही हूं कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो और अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो मैं ये बोल रही हूं कि वो एक्शन पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल पास्ट में मैं सो रही थी ठीक है पास्ट में मैं गा रही थी इस तरीके से मैंने ये नहीं बोला पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में कि पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है ठीक है माइंड माई वर्ड्स मैंने ये बोला कि वो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था ठीक है पास में कंटिन्यू हो रहा था मतलब कि वो एक्शन पास में ही स्टार्ट हुआ पास में ही खत्म हुआ अभी तक वो एक्शन नहीं चल रहा है ठीक है सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दी पास्ट टेंस एंड probably uh, तीन चार क्लासेस और लगेंगी टेंसेस को ख़त्म होने में सो आई आई हैव डिसाइडेड कि टेंसेस के ख़त्म होने के बाद एक क्लास में लूँ फुल फ्लैज जिसके अंदर मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ टेंसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूँ और एक्सरसाइजेस कराऊँ ओके सो वी विल प्लान दैट इन फ्यूचर एंड आज के लिए आप लोग को सिर्फ रिवाइज़ करना है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज मेक श्योर और रिवाइज़ टेंसेिस रियली नाइस क्योंकि अभी के लिए आप लोग को समझ आ जाएगा फ्यूचर में समझ नहीं आएगा अगर आप लोग दोबारा खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ओके सो प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइज एवरीथिंग रियली नाइस Thank you and have a nice day. Bye.